शेरगढ़ के थाना परिसर में ग्राम प्रधानों के साथ उपजिलाधिकारी छाता ने की एक मीटिंग। मथुरा जनपद के कस्बा शेरगढ़ के थाना परिसर में शेरगढ़ क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों के साथ उपजिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य ने की एक मीटिंग। इस मीटिंग में सभी क्षेत्र के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। मीटिंग के बारे में उपजिलाधिकारी छाता ने बताया कि मीटिंग ग्राम प्रधानों के साथ की गई है और इन सभी को बताया गया है कि अपने अपने गाँव में सभी किसानों से कह दें कि कोई भी पराली ना जलाए, अगर कोई भी किसान पराली जलाए तो हमको बताए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी ग्राम प्रधानों ने अपनी अपनी समस्या रखी व अपने अपने गांव में पराली ना जलाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर शेरगढ़ थाना अध्यक्ष अनुज कुमार मलिक व क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। सर, आज आपके द्वारा जो थाना परिसर में जो मीटिंग की गई है उसके बारे में जानकारी दें। थाना शेरगढ़ से आज मेरे द्वारा यहाँ से संबंधित ग्राम प्रधानगढ़ की मीटिंग ली गई है। विषय था पराली प्रबंधन। पराली को ना जलाया जाए, उसको सुव्यवस्थित तरीके से उसका निपटान किया जाए, इस पर काफ़ी जोर कड़े निर्देश शासन से भी हैं, माननीय नीति कोर्ट से भी है। उसी के तहत सारे ग्राम प्रधान के साथ चर्चा की गई है कि वो लोग अपने अपने गाँवों में उसका बखूबी प्रचार प्रसार करें कि पराली को नहीं जलाया जाना है। अब अगर जलाया जाता है तो कानून बन चुका है, उसे जुर्माने का प्रावधान हो गया है, कारावास का प्रावधान हो गया है। जी, अतः सभी लोग अपनी पराली को खेत में चाहे पानी से सड़ा करके उसका निस्तारण कर लें, अन्यथा कहीं गौशालाओं तक भिजवा कर लें, लेकिन जलाने की कार्रवाई मौके पर किसी भी दशा में नहीं होनी है। जी, और मैंने देखा है कि हमारे ग्राम प्रधानों ने मुझे पूरी तरह आश्वस्त किया है कि इस बार हमारे किसी भी गाँव में पराली जलाने की स्थिति एकदम नहीं पाई जाएगी।